हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज का चैप्टर है लेसन नंबर 8 और चैप्टर नेम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको इस कहानी को समझाएंगे। और दोस्तों, अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। यहाँ पे फुल स्टॉप लग गए, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिएगा। अब ये इनके नाम का पूरा फुल फॉर्म है, यानी पूरा नाम है। कहने का मतलब है कि अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, आम तौर पे इन्हें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, और ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। आगे है, APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931, यहाँ पे देखिए क्वामा है, एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। कहने का मतलब है कि अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के तमिलनाडु में रामेश्वरम गांव में हुआ था। हालांकि ही वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, हालांकि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, ही वाज एन एक्सपेक्टेशनली ब्रिलियंट चाइल्ड, यानी वो अपेक्षा से भी परे थे, वो काफ़ी बुद्धिमान बालक थे, ब्रिलियंट थे, प्रतिभावान थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वाज अ बोट ऑनर हु फॉर्म्ड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। कहने का मतलब है उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ऑनर थे, यानी एक नौका मालिक थे, जो हिंदुओं को दर्शन कराते थे रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर में वो हिंदुओं के पिलग्रिम्स यानी उनको यात्रा कराते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क्यू एंड हिज मदर असमिया वाज अ हाउसवाइफ। और उनके पिताजी एक लोकल मॉस्क यानी अपने ही स्थान की एक मस्जिद के इमाम से थे, और उनकी माता आसमिना एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, उन्होंने कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। ही सोल्ड, आगे देखिए, टैमिट सीड एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली, उन्होंने इमली की बीए और न्यूज़पेपर बेचने शुरू किए अपनी फैमिली यानी अपनी परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए। आगे है मेरे दोस्तों, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। कहने का मतलब है कि अपनी स्कूलिंग शिक्षा को खत्म करने के बाद कलाम संत जोसेफ कॉलेज, जो कि यहाँ पर लिखा है तिरुचिरापल्ली में स्थित है। द कॉलेज वाज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। कहने का मतलब है कि इनका जो कॉलेज था वो अफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मतलब मद्रास के विश्वविद्यालय से इनका कॉलेज अफिलिएटेड था यानी जुड़ा हुआ था। फ्रॉम वेयर, जहाँ से इन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएट किया 1954 में। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में स्पेशली मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उन्हें
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस के चांसलर बनाया गया। ही वर्क्ड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958। ये DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है DRDO इन 1958 एंड दे ज्वाइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी फिर शॉर्ट फॉर्म है ISRO इन 1963। यानी कहने का मतलब है उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1958 में भी काम किया और उसके बाद ये इंडियन सैटेलाइट रिसर्च को भी 1963 में काम किया, ज्वाइन किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, और उन्होंने कई प्रकार के भारतीय सैटेलाइट को विकसित किया। और एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO को भी इन्होंने एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3, यानी 3 SLV का मतलब है, इसका भी फुल फॉर्म दिया होगा वही सैटेलाइट। ही कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म दिया है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV 3। और इन्होंने विकसित किया भारत के लिए एक मैनेजमेंट और विकसित भी किया। आगे देखिए, इन्होंने टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कक्ष में इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, और उन्होंने मिसाइल्स के क्षेत्र में बहुत ही महान कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वेयर डेवलप बाय हिम, और उनके द्वारा कई प्रकार के मिसाइलों को भी डेवलप किया गया, विकसित किया गया। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और अपने हिज वर्क यानी अपने कार्य पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और को भी लॉन्च किया। आगे देखिए, बिसाइड्स बींग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, और इसके अतिरिक्त वो एक महान वैज्ञानिक भी थे। ही वॉज अ ग्रेट राइटर, वो एक महान राइटर भी हैं। आगे देखिए, ही हैज रिटेन मेनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर एंड एंजिटेंट माइंड्स, सागे 3 मिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलियन, माई जर्नी। ही हैज मैंशन हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखे हैं, जैसे यहाँ पे नाम दिया है, विंग्स फायर, अग्नि की उड़ान एंड इग्निटेड माइंड, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। ही हैज मैंशन हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग, यहाँ पे देखिए, मैंशन हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप कंट्री इन हिज बुक, और उन्होंने अपनी किताब में देश की विकास के लिए उन्होंने ये लिखा था इंडिया 2020, जिसमें अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम यानी न्यू मिलेनियर बनने के लिए एक दृष्टिकोण। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इंटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, उन्होंने कहा था सपने देखे और सपने को विचारों में कन्वर्ट करें और विचारों से ही रिजल्ट बनता है, रिजल्ट ही आपका एक्शन होता है। आगे उन्होंने बोला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म भूषण 1981, पद्म भूषण 1990, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997, यानी भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण 1981 और पद्म भूषण 1990 और भारत रत्न के साथ साथ इंदिरा गांधी अवार्ड से भी उनको नेशनल इंटीग्रेशन 1997 से भी सम्मानित किया गया। आगे देखिए, डॉक्टर कलाम पास अवे ऑन 27 जुलाई 2050 वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और डॉक्टर कलाम 27 जुलाई 2015 में इनका देहांत हुआ। कैसे हुआ? वो डिलीवरी और लेक्चर यानी कि लेक्चर देने के दौरान इनका ध्यान हुआ, वो भी शिलोंग में, शिलोंग के
किस संस्थान में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इन्होंने लेक्चर दे रहे थे। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सडन बाई द सडन एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ सिंपल हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। पूरा दुनिया शॉक्ड हो गया अचानक इनके देहांत की खबर सुनकर। ये हमारे देश के महान, एक हम्बल और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध और काफ़ी आपके और हमें या हर सुनने वालों के लिए काफ़ी मोटिवेशन का एक स्रोत है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट वन लाइक अ सन। बिल्कुल, इन्होंने कहा यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना ही पड़ेगा। बहुत सही इन्होंने बोला। और मेरे दोस्तों, ये पूरे चैप्टर में मैं पूरा वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, पूरा जितना है मैं आपको पूरा कंप्लीट हुए पूरा वीडियो आपको मिलेंगे। मेरा आपको पूरी वीडियो कंप्लीट ही मिलेंगे। देख सकते हैं, ये आपका है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं इसमें दे दूंगा आपको। ये पूरा आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आंसर द फॉलोइंग। देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप सरलता से आप इसको लिख सकते हैं। ये मैंने जो पूरा चैप्टर के मैंने ट्रांसलेट किया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे दोस्तों, कमेंट से ही हमें आपकी समस्याओं को समझने में आसानी मिलेगा और मैं आपका मदद कमेंट के थ्रू कर सकता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।